जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 705 पर में। आज के वीडियो में गणित के ऐसे प्रश्नों की बात करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 से 6 मिनट में सॉल्व होने वाले सवालों को मात्र 2 से 3 सेकंड में हल करेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। तो हम सभी लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। सवाल कह रहा है, करीम की उम्र 15 वर्ष पहले जितनी थी, यानी 15 वर्ष पहले जितनी थी 15 वर्ष बाद 4 गुनी होगी करीम की वर्तमान उम्र का है। यानी करीम की वर्तमान उम्र हमको बतानी है और इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या है मित्रों, गो थ्रू ऑप्शन, यानी ऑप्शन के जरिए इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इस सवाल को ऑप्शन के जरिए सॉल्व करते हैं। करीम की उम्र मान लेते हैं हम 40 वर्ष है। करीम की उम्र 40 वर्ष मान ली मैंने, 15 वर्ष इससे पीछे आने पर क्या होता है, हम कहाँ पर आ जाएंगे मित्रों, 15 वर्ष अगर पीछे आएंगे तो हम आ जाएंगे 25 साल। अब इसी में क्या करेंगे, 40 साल में हमको 15 वर्ष आगे जाना है, तो 40 में 15 जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर हमारी, 55 साल। क्या ये 25 का 4 गुना है? नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा ये सही नहीं है, यानी मैच नहीं खा रहा है, तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं मित्रों ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं 25 वर्ष वाला। अब क्या कह रहा है, करीम की उम्र मैंने 25 वर्ष मान ली, 15 वर्ष पहले जितनी थी, यानी 15 वर्ष हम पीछे जाएंगे तो कितनी एज आ जाएगी इसकी, हम 15 वर्ष पीछे जाएंगे 10 वर्ष एज आ जाएगी। कितनी, पहले 10 वर्ष कह रहा होगा, 15 वर्ष बाद 4 गुनी होगी, और 15 वर्ष बाद कितनी होगी, 4 गुनी 25 में क्या करेंगे हम, 15 ऐड करेंगे, तो 25 में 15 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा मित्रों, 40। क्या ये एज इसकी 4 गुनी है, क्या यह इसकी आयु की 4 गुनी है? हम कह सकते हैं यह इसकी 4 गुनी है। 10 चौके कितना होता है, 40, तो हमारी ये 4 गुनी है। यानी करीम की वर्तमान उम्र कितनी है मित्रों, 25 वर्ष है। अपनी याद रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस तरह के सवाल एग्ज़ाम में कई बार बनते हैं और कई बार जो जिनको नहीं आता है वो करके, यानी बिना करके चले आते हैं, तो आपका इसमें ही लॉस है, आपका ही लॉस है इसमें। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, बहुत अच्छे टिक के माध्यम से हम इन सवालों को समझेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक दुकानदार कुछ माल के आधे को 40% के लाभ पर शेष लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेचता है। पूरे सौदे में दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ, कोई वस्तु दुकानदार के पास है 100%, उसमें से वह 50% क्या करता है, 100% में 50% क्या करता है, 50% को 40% के लाभ पर बेचता है। हम 40% लाभ निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 और ये कट गया, इधर कट गया, हमारा कितना आ गया, 20 रुपये आ गया। ठीक है, 20 रुपये उसको लाभ मिलता है अगर 40% के लाभ पर आधी वस्तु को बेचता है, तो कितना हो गया मित्रों, 20 रुपये, यानी कुल कितने, 50 रुपये की बचती, उसको 70 रुपये यहाँ से प्राप्त हो गए। और आधी वस्तु को क्या करता है, 50 को तो तूने 20% लाभ पर बेचा, और आधी वस्तु को जो 50% रही उसको कैश में बेच दिया, बिक्री मूल्य पर उसने दे दिया, कितनी होगी, 50 रुपये की, 50 रुपये में ही बेच दिया। तो इसमें क्या करेंगे, 50 जोड़ देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, 70 और 50 को जोड़ेंगे तो हमारा 120 आंसर आएगा। यानी कितने का उसको लाभ अर्जित हुआ है, तो उसको लाभ अर्जित हुआ है 20% का। उसने कितने का लाभ कमाया है इस सौदे में, इस व्यापार में, उसने 20% का लाभ कमाया है, आपने याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए अकेला उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है, अकेले बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए भी किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं, ए अकेले उसे 24 दिन में, बी उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका है, एक तो एक्स मान के इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम एक्स मान के इस सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इस सवाल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम समझ रहे हैं ट्रिक, यानी ट्रिक के माध्यम से सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका। इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका होता है, एक सूत्र होता है एक्स वाई, क्या होता है, एक्स वाई और अपॉन में होता है एक्स माइनस वाई।
आपने याद रखना है इस सवाल के जरिए इस सवाल को हम हल करेंगे। तो एक्स वाई, एक्स आपका होगा कितना मित्रों, इसको ए को एम एक्स मान लेंगे, तो एक्स कितना है 16, गुणे में कितना रहेगा हमारा वाई कितना है 24, ठीक है, और बटे में क्या रहेगा एक्स माइनस वाई, यानी एक्स कितना है 16 माइनस का कितना हो जाएगा 24, ठीक है मित्रों, आपको याद रखना है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, हम इसको काट सकते हैं, काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगर इसको काटेंगे तो क्या आएगा, अब यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है 8 आ जाएगा। अब इसको हम काट सकते हैं, 8 दूनी 16 हो गया, और ये कितना हो गया 8 दूनी 16, और 24 में इसकी गुणा कराएंगे 2 की, तो कितना हो जाएगा 24 दूना कितना होता है मित्रों 48, कितना होता है 48, यही हमारा सही आंसर है, यानी 48 दिन में भी उस कार को समाप्त कर पाएगा। अगर आपको मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, हमारा तरीका, हमारा कॉन्सेप्ट, हमारी जो ट्रिक है ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।